क्या आपने कभी करोड़ों अरबों की कार खरीदी है? क्या आपने डायमंड से सजे हुए फुटबॉल से खेला है? दुनिया में कितने महंगे टॉयज मौजूद है, ये हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, जहां पर आपको अद्भुत कमाल के महंगे से महंगे टॉयज देखने को मिलेंगे, जिन्हें खरीदने के लिए आपको हजार बार सोचना पड़ेगा, लेकिन महंगे होने के कारण आप कभी भी इन्हें खरीद नहीं पाएंगे। टॉयज देखने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग चीजें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुनिया के मोस्ट पॉपुलर टॉयज में बार्बी डॉल का नाम हमेशा से टॉप पर रहा है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम उस बार्बी डॉल के बारे में बात नहीं करेंगे जो कि आपको किसी भी चिल्ड्रन स्टोर पर मिल जाती है। यह है दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव डॉल, जिसे फेमस ऑस्ट्रेलियन डिजाइनर स्टेफनो कैंटोरी ने डिजाइन किया है। अब बात करें इसमें ऐसा क्या खास है जिसके लिए इसे $3 लाख तक इसे बेचा गया। जी हाँ, $3 लाख इसे ऑक्शन के दौरान बेचा गया। इस एक्सपेंसिव डॉल को ब्लैक स्ट्रैपलेस ड्रेस से सजाया गया है और साथ ही इसे पिंक डायमंड भी पहनाया गया है और इसके हर एक पार्ट को बेहतरीन तरीके से तराशा गया है, जो कि ऑक्शन के दौरान हर किसी का मन लुभाने में कामयाब रही। इस बार्बी के नेकलेस की प्राइस 2 करोड़ है, जो सच में अब तक की सबसे एक्सपेंसिव डॉल के रूप में बिकी। इसके द्वारा मिली रकम को ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च को डोनेट कर दिया गया। इस डायमंड बार्बी को अभी तक की सबसे महंगी टॉयज में गिना जाता है। तो अब हमारे पास है ये लेगो का सबसे एक्सपेंसिव टॉय, लेगो स्टार वॉर किट, जिसमें आपको 7,541 पीसेस मिल जाते हैं, जिन्हें असेंबल करने पर आपको कुछ इस तरह का स्टारशिप मॉडल देखने को मिलता है। अगर आप स्टार वॉर के फैन हैं, तो ये सेट आपको जरूर पसंद आएगा, लेकिन हाँ, ये इतना महंगा है कि आप इसे खरीदने के लिए शायद फिर से सोचे। इसकी कीमत $6,000 यानी तकरीबन 4 लाख से भी ज्यादा है और इसे असेंबल करना काफी मुश्किल है। 15 घंटों में इसे असेंबल करो और फिर अगर यह फिर से गिर तो फिर सत्यानाश। लेकिन ये लेगो का स्टार वॉर किट काफी एक्सपेंसिव है, जिसके लिए क्या आप 4 लाख रुपए खर्च करने को तैयार है, कमेंट करके जरूर बताना। हमारी लिस्ट में अगला सबसे महंगा टॉय रॉकिंग हाउस है। यूजुअली इस तरह के हॉर्सेस को अटेंशन देने के लिए काफी बेहतरीन ढंग से डेकोरेट किया जाता है, लेकिन आजकल के बच्चे कहाँ इन सब से खेलते हैं, वे सब पैदा होते ही मोबाइल गेम या फिर कंप्यूटर गेम में लग जाते हैं। 90s के बच्चों ने इसके साथ काफी खेला है, आपने भी अगर इसके साथ खेला है तो कमेंट करके जरूर बताना। इन्हें सबसे दूर 2016 में जापानीज ज्वेलर्स गिंजा टनाका ने 24 कैरेट गोल्ड लिया और जापानीज प्रिंस हिसाहितो के जन्म पर सबसे महंगा 24 कैरेट से बना हुआ रॉकिंग हाउस बना डाला, जो कि लगभग 26 किलो वजनी था, जिसकी कीमत $6 लाख यानी तकरीबन 4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। वाव, इतना महंगा गिफ्ट। खैर, आप एक क्यूब को सुपरमार्केट से कितने रुपए में खरीद सकते हैं? आप लोग बोलेंगे, भाई मेरे पास की शॉप पर तो यह 30 से 40 रुपए में मिल जाता है। लेकिन आज मैं ऐसे कोई ऑर्डिनरी क्यूब की बात नहीं करूंगा, आज मैं दुनिया के सबसे महंगे क्यूब के बारे में बात करूंगा, जिसे रूबिक क्यूब के 15th एनिवर्सरी पर बनाया गया। इस मास्टरपीस क्यूब के हर साइड को 185 कैरेट जेम्स, जिसमें रूबीज, एमरल्ड्स और एमथिस्ट से बनाया गया, जिसे दुनिया का सबसे महंगा रूबिक क्यूब कहा गया, जिसकी कीमत $15 लाख तकरीबन 10 करोड़ रुपए मानी गई। अब बात करेंगे हम इस गोल्डन मोनोपोली के बारे में। जी हाँ, जो कि काफी डिफिकल्ट गेम माना जाता है अगर आपका ओपोनेंट तगड़ा हो। 1988 में सैन फ्रांसिस्को ज्वेलरी डिजाइनर मोबेल ने मोनोपोली टूर्नामेंट के बारे में सुना, जहाँ पर उन्होंने अपने गेम वर्जन को पब्लिश करने की अनुमति मांगी। इस गोल्डन गेम को मोबेल ने पूरे 1 साल में तैयार किया। अंदाजा लगाओ इस गोल्डन बोर्ड की कीमत क्या होगी। इसकी कीमत 15 करोड़ रुपए थी। इसे 42 फुल कट्स डायमंड के साथ बनाया गया। इसके अलावा इस गेम बोर्ड को 165 स्टोन से डेकोरेट किया गया। इसके डाइस की कीमत $10,000 यानी तकरीबन 7 लाख रुपए मानी गई। टेडी बियर बचपन का सबसे प्यारा दुलारा टॉय होता है, जिसे हम गले लगाकर घूमते हैं, हग करते हैं। ऐसा ही एक एक्सपेंसिव टेडी बियर एक लग्जरी घर से भी महंगा जर्मन मेकर स्टीव लुइस वियटियन टेडी बियर के पास सबसे महंगा टॉय का रिकॉर्ड है। इसे 2000 में मोनाका नीलामी में कोरियाई जेसी किम ने $2.1 मिलियन यानी तकरीबन 15 करोड़ रुपए में खरीदा। इसे रियल फर और गोल्ड डायमंड से बनाया गया और इसकी नीली आंखें हर किसी को आकर्षित करने के लिए काफी थी, लेकिन ये इतना एक्सपेंसिव है कि इसे खरीदने के लिए शायद आपको किडनी भी कम पड़े।
टॉयज की दुनिया में हॉट व्हील्स का नाम भी काफी चर्चा में रहता है, लेकिन इस वीडियो में हम इसके सबसे एक्सपेंसिव टॉय कार के बारे में बात करेंगे जिसे कंपनी ने 40th एनिवर्सरी पर पेश किया। इस कार के चेसिस और कार बॉडी को 18 कैरेट गोल्ड से तराशा गया, साथ ही इस पर 2700 डायमंड्स भी इस पर लगाए गए। इसके अलावा इसके हेडलाइट के लिए इसमें 2 रूबीज का इस्तेमाल किया गया, जो कि इसे एक्सपेंसिव बनाने के साथ ही इसे काफी खूबसूरत भी बनाया। हॉट व्हील्स के प्रोडक्ट में हमें कई बार ब्लैक डायमंड्स भी देखने को मिलते हैं। वैसे हॉट व्हील्स के बॉम्ब मॉडल की कॉस्ट भी काफी ज्यादा रहती है, जिसकी करंट प्राइस $1,00,000 है, जो कि शायद एक दिन करोड़ों में होगी। गेम के शौकीन लोगों के लिए निंटेंडो ने अपना बेहतरीन कंसोल पेश किया, जिसमें 2 किलो गोल्ड और डायमंड का इस्तेमाल किया गया। सुपर मारियो बहुत चर्चित गेम के चलते कंपनी ने इसे पेश किया। सुपर मारियो काफी कमाल का गेम है, जिसे आज भी लोग खेलते हैं। आप में से कौन कौन आज भी इस गेम के दीवाने हैं, कमेंट करके जरूर बताना। गेम के शौकीन लोगों को ये कमाल की गोल्ड गेम कंसोल जरूर पसंद आएगी, जो कि प्योर 18 कैरेट गोल्ड से बनी है, लेकिन हमें इसके लिमिटेड एडिशन ही देखने को मिलते हैं। इसके लिए आपको 40,000 तकरीबन 28 लाख रुपए खर्च करने होंगे। मुझे नहीं लगता कोई इस पर इतना ज्यादा करेगा। फुटबॉल सोकर बॉस से आप में से बहुत से लोगों ने काफी खेला होगा, जो कि काफी इंटरेस्टिंग गेम भी है। अब ये मिलियन डॉलर की सोकर बॉल इतनी कीमती है कि आप इसे खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते। 4.8 पाउंड की इस डायमंड बॉल में 6620 व्हाइट डायमंड और 2640 ब्लैक डायमंड शामिल है, जिसकी कीमत 2.6 मिलियन यानी तकरीबन 15 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। शिमांस्की को इस मैग्नस ओपस को डिजाइन करने में 3 महीने लगे, जो कि हर एक सोकर फैन को और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। आप चाहे कितने भी करोड़पति हो या फिर अरबपति हो, आप एक लेम्बोर्गिनी तो खरीद सकते हैं, जिसमें आप अपनी लग्जरी लाइफ का आनंद ले सकते हैं, लेकिन आप इस लेम्बोर्गिनी मॉडल की कॉपी की कीमत नहीं जानते, जो एक रियल मॉडल से भी काफी महंगी है। इसकी कीमत 33 करोड़ से भी ज्यादा है, जिसके हर एक पार्ट, हेडलाइट, स्टीयरिंग व्हील्स, सीट्स को गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम से बनाया गया है, जो कि एक रियल मॉडल की 1/8 यानी एक टायर के बराबर है। इसके हर एक पार्ट के डिटेलिंग को इतना जबरदस्त बनाया गया है कि इसे खरीदना हर किसी के बस की नहीं है। इसमें 24 कैरेट गोल्ड और जेमस्टोन को शामिल किया गया है, जो इसे काफी एक्सपेंसिव बनाती है, जिसकी कीमत 14 करोड़ रुपए है, और इसका लोगो भी काफी इंप्रेसिव है, जो कि आपको एक ही बार में पसंद आ जाएगा। वाकई में ये खूबसूरती के लिहाज से ही महंगी है। क्या हो अगर आपके पास $5 मिलियन यानी 35 करोड़ रुपए हो, आप घर लोगे या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे, या फिर आप केवल मैडम अलेक्जेंडर एलोइस नामक इस डॉल पर खर्च करोगे? जी हाँ बिल्कुल, इस 35 करोड़ की डॉल में आखिर ऐसा क्या है जो इसे सबसे महंगी डॉल बनाता है? तो जनाब आपको बता दूं, इसे 5 कैरेट के हीरे और अन्य महंगे सामानों से सजाया गया है। डॉल डिजाइनर मैडम अलेक्जेंडर ने इस तरह के 5 डॉल्स तैयार की है। यह दुनिया की टॉप 3 एक्सपेंसिव टॉयज में शामिल है, जिसे इस तरह से सजाया और पेश किया गया है कि एक संपन्न व्यक्ति ही इसमें दिलचस्पी दिखा सकता है। अब यह है हमारी दुनिया की दूसरी सबसे महंगी मूविंग डॉल, जिसे क्रिश्चियन बेली नामक एक फ्रांसीसी ऑटोमेटा विशेषज्ञ ने डिजाइन किया। इस 4 फीट लंबी डॉल को बनाने में 15,000 घंटे से भी अधिक समय लगा, जिसे चलाने में 2340 पॉलिश स्टील पार्ट्स सहायता करते हैं, जिसका वजन लगभग 55 किलो तक का है। इसमें न कोई बैटरी है और न ही कोई मोटर, फिर भी यह कैसे चलती है? यह एक्चुअल में स्प्रिंग ड्राइवन कोक्स और गियर की सहायता से अपना काम करती है। इसे गोल्ड और पर्ल से सजाया गया है, जिसकी कीमत 44 करोड़ से भी ज्यादा है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि एक डॉल हाउस दुनिया की सबसे कीमती टॉय हो सकती है? जो भी रहस्यमय चीज होती है, लोग उसे लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसी प्रकार की यह डॉल भी काफी एक्सपेंसिव डॉल हाउस आज आपके सामने पेश है। वेल मार्केट में 200 से 400 रुपए की बहुत सी डॉल हाउस मिल जाएगी, लेकिन जनाब इस डॉल हाउस को लेने के लिए आपके पास काफी सारा पैसा होना चाहिए। $8.5 मिलियन यानी तकरीबन 65 करोड़ रुपए में आने वाली इस डॉल हाउस में 29 रूम्स, पूल, जिम और मल्टीपल फ्लोर मौजूद है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि एक बार तो आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। इसके आउटसाइड और इनसाइड को रियलिस्टिक लग्जरियस लुक दिया गया है। इसमें आपको आर्मरी, किचन, वाइन सेलर, बेसमेंट, म्यूजिक रूम, लाइब्रेरी, हॉलवे देखने को मिल जाता है, और आपको सबसे टॉप पर एक राजसी जादूगर टावर भी मिल जाता है। इसके इंटीरियर डिटेल्स और फर्नीचर लुक्स को देखकर आप इसे खरीदने की ख्वाहिश जरूर करेंगे, जिसमें 30 डॉल हाउस, 30,000 से भी ज्यादा फर्नीचर दिए गए हैं। इस मास्टरवर्क को पूरा करने में 13 साल लगे, जिसका वजन 400 किलो से 500 किलो तक का है।
इसकी कीमत न्यूयॉर्क और लंदन के एक्सपेंसिव अपार्टमेंट से कहीं गुना महंगा है। दुनिया की सबसे महंगी इस डोल हाउस को एक स्पेशल रूम में रखा गया है जिससे यह फायर फ्लूडिंग से सुरक्षित रह सके। वेल, यह बहुत ज्यादा महंगी है। तो ये थे दुनिया के सबसे महंगे टॉयज। इन सभी में से आपको कौन सा टॉय सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके पूछे गए क्वेश्चन का जवाब जरूर देना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।